नमस्कार। ओम साई राम बंधु। ओम साई राम। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपका स्वागत करते हैं और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम एक नई डिवोटी को हमारे साथ में लेकर आए हैं जो कि कोलकाता से हैं। इनका नाम है तापस कुमार मन्ना और ये पुलिस अधिकारी हैं। ये ओसी रह चुके हैं और जस्ट 2 महीने पहले ये रिटायर हुए हैं। तो आज ये हमारे साथ में हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा फील हो रहा है इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो ओम साई राम तापस जी। तापस जी, आप भक्तों को बताएं कि बाबा के बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला? देखिए, बाबा के बारे में तो जानकारी बहुत पहले से है, लेकिन बाबा को स्टोरी से जुड़ने का मौका हमको नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारा जो कर्मस्थल था, जो नौकरी का जो हमारा तरीका था, कोई मौका हमको उतना नहीं था। जब रिटायर करने के बाद, क्योंकि उसका पहले से ही हमारा प्रतिवेशी एक था जो साई राम का बहुत बड़ा भक्त था, उनका देहांत होने के बाद उधर एक भजन हुआ था साई बाबा का, वो उसी प्रोग्राम में हमारा भी इन्विटेशन था, हम उधर हम गया था। जाने के बाद और भी कोई साई भक्त से हम मुलाकात हुआ, वो भजन में हम उन्होंने योगदान किया है। सब कुछ सुनने के बाद, महत्व सुनने के बाद, हमारा मन में भी कुछ कुछ रिकलेक्ट होने लगा। जैसे ऐसा घटना तो हमारा जीवन में भी कभी कभी हुआ था। उसका बाद साई बाबा से हमारा और जुड़ने का जो इच्छा है वो बढ़ने लगा है। बढ़ गया, सही है। तो ये किस वर्ष की बात होगी? ये धरिए कोरोना पीरियड का ही है, 2021। सो करीब 2 वर्ष से तापस जी बाबा के साथ में जुड़े हुए हैं। ये बाबा के नए डिवोटीज में से हैं। पिछले हफ्ते हमारे साथ आई थी श्रेया जी, जो कि 18 साल से बाबा के साथ में जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं के थ्रू तापस जी भी यहाँ पर हमारे बीच में आज प्रस्तुत हुए हैं और आए हैं। तो तापस जी, आप बताइए, आप बाबा के ऊपर में विश्वास आपका कैसे जमा? विश्वास पहले से ही था, लेकिन सबसे जो हमारा हार्ट में टच किया है जो इवेंट, वो हम बताना चाहता है सबको सामने, वो है कोई अमियो चक्रवर्ती, जो श्रेया का पिताजी, देहांत होने के बाद जो भक्त से मुलाकात हुआ सर, वो एक इनविटेशन मुझे भेजा था। यूनिवर्सिटी हॉल में एक प्रोग्राम था, सही परिवार, अरुण जायसवाल जी ने हमको बुलाया था, वो हम इनविटेशन में हम उधर हाजिर था जस्ट विजिटर्स के रूप में। लेकिन अचानक प्रोग्राम चलते चलते कोई सारी बुजुर्ग आदमी स्टेज में बुलाया था, वो लोग को हम देख रहा था, अचानक हमारा नाम भी वो अनाउंसमेंट हुआ है स्टेज में जाने के लिए। हम तो स्तंभित हो गया, जे हमको क्यों बुला रहा है, हम तो साईं बाबा का नीला सुनने आया है, देखने आया है, समझने आया है। तब भी हम चिंता करते करते स्टेज में गया है, लेकिन वो जाने के टाइम में 2-4 बार स्लिप भी किया है, जी हम ठीक जगह में जा रहा है तो हमारा नाम बुलाया, तो वही सोचते सोचते हम स्टेज पे पहुंचा है 9th महीने हिसाब से। उसके बाद जो हमारा सामने घटना घटा है वो है, वो जो बुजुर्ग लोग पहले से खड़ा हुआ था, वो दिन वही शाही परिवार का जो जुबली मैगजीन का उन्मोचन था, अनफोल्ड प्रोग्राम था, उसमें हमको शामिल किया गया है। तो हम तो सोचने लगा है जे एक काम में क्या हम सही आदमी है, लेकिन उसके बाद हमारा ध्यान में आया ये तो साईं बाबा का ही कृपा है, नहीं होता तो इतना बड़ा प्रोग्राम में हमको क्यों ये मौका मिला है। उसके बाद हम भी वही अनफोल्डिंग सेरेमनी में, प्रोग्राम में हम भी शामिल हुआ। प्रोग्राम करने के बाद जब नीचे आया है तो आपको मालूम हुआ है जे ये साईं बाबा का कृपा नहीं रहता तो हमको उस स्टेज में जाने का मौका नहीं मिलता। ये हमारा पास एक चमत्कार है। बिल्कुल, देखिए भक्तों, किस प्रकार इनको बाबा ने अपनी तरफ खींच लिया। एक अरुण जी जायसवाल के माध्यम से, अरुण जी का वीडियो भी कुछ वीडियोस पहले आया है, अगर आपने वो ना देखा हो
तो कृपया देखिएगा किस प्रकार अरुण जी कोलकाता में साईं समाज की सेवा कर रहे हैं, साईं बाबा का प्रचार कर रहे हैं और साईं संस्कार परिवार मैगजीन को वो के वो संपादक हैं और किस प्रकार बाबा की लीलाएं व्याख्या कर रहे हैं लोगों के बीच में, जैसे कि हम इस YouTube के माध्यम से ज़्यादा भक्तों के पास रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार अरुण जायसवाल जी भी ये बाबा की साई संस्कार परिवार मैगजीन के थ्रू और भक्तों के पास में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपको बाबा ने किस प्रकार आकर्षित करके और अपने तरफ में ले आए। तो आपने उसके बाद कुछ मिरेकल्स महसूस किए हैं बाबा के? एकदम सही है, क्योंकि जब हम नीला जो प्रोग्राम में हम सब देखा है, बड़ा बड़ा बुजुर्ग आदमी का जब बात सुना है, तो जब आप रिकॉल किया है हमारा सर्विस लाइफ में ऐसा एक घटना, तो हमको चमत्कारी बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोग, आप लोग को मालूम है, कलकत्ता ट्रैफिक विभाग में जो काम होता है बहुत टफेस्ट जॉब है, क्योंकि रास्ता में ही रहने पड़ता है, से ओसी हो, कोई डीसी हो, कोई कांस्टेबल हो, कोई सर्जेंट हो, रास्ता में ही वो लोग का काम होता है। क्योंकि ऐसा ही ड्यूटी होता है जो खाना पीना का मौका भी नहीं मिलता है, ठीक टाइम में खाने का टाइम ठीक नहीं रहता है। ऐसे ही एक दिन हम जब एडिशनल ओसी जादवपुर का था, जादवपुर ट्रैफिक गार्ड का, तो जादवपुर थाना के सामने गाड़ी में बैठ के हम जीरो आवर्स में हम थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा था, क्योंकि हम लोग का तो रेस्टिंग प्लेस तो कोई नहीं था, रोड ही हम लोग का रेस्टिंग प्लेस है। गाड़ी में बैठ के थोड़ा शाम को टाइम में थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा था। उसके बाद जब पिक आवर्स आएगा तब फिर रास्ता में उतरना होगा। तो उसी टाइम एक बुजुर्ग आदमी आया हमारा पास, हमको बोला जी बाबू आपका नाम क्या है, किधर का आप कोसी है, सब कुछ बोलने का बात बोले हम एक बात बोले बाबा, बोलिए। बोल जी भगवान आपको इतना सुंदर फिगर दिया है, इसको रखना आपका ड्यूटी है। आप क्या क्या करते हैं सुबह से, क्या क्या खाता है, कब कब खाता है, सब आप बताए। जो हम लोग का खाना का कोई निर्दिष्ट टाइम नहीं है। बोलो नहीं, एक काम कीजिएगा, आपका तो गाड़ी है, गाड़ी में आप थोड़ा पानी रखेगा और चना का छतु रखेगा और थोड़ा नमक रखेगा और एक तो मग रखना है। आपको टाइम नहीं मिलेगा, उसी टाइम में जो आप गाड़ी में बोझते हैं आप लोग, दो मिनट में आप थोड़ा उसको मिलाकर खा लीजिएगा। इंटरवल में जो आपको टाइम मिले खा रहे, रास्ता का खाना मत खाइए, वो थोड़ा खाना खाते रहिए। आपका ये जो सुंदर फिगर आपको गॉड गिफ्टेड दिया है वो आप ठीक मेंटेन करने सकेगा। उसके बाद मतलब जी ठीक है, आपके बाद हमको याद रहेगा, लेकिन ये तो अब जो बोल रहे हैं वो भी आपको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी ठीक नहीं है, लेकिन वो बात हमारा दिल में ना टच किया है। जी हमारा पिताजी ध्यान हो गया, पिता माता जी दोनों ही नहीं है, लेकिन उसी दिन हम बोले जी ये बात क्यों ये लोग हमको बोल रहे हैं, तो इतना आदमी सब ड्यूटी करते हैं रास्ते में, हमें क्यों बोला है? कोई तो उनको भेजा है हमारे पास। तो हम उनका बात नेक्स्ट डे से मैंने पालन करना शुरू कर दिया। हमारा सब कुछ जो जो उन्हें बोला है वही रखता है, उनका निर्देश के मुताबिक दिन में दो बार तो हम सुबह और शाम को वो छतु का शरबत तो पी लेता है। ये करते करते देखिए 10 साल ट्रैफिक में हम उसी गिरी किया है, 10 साल वो मेंटेन किया है, अभी तो उन्हें वो हमारे लिए गॉड है, वो हमारे लिए साई राम है। उनका निर्देश से जो हम अभी तक हम मेंटेन करते हैं, तो अब ना हम आपका स्टूडियो के सामने इसी शरीर लेके हम आने से कहा है हम, इसीलिए वो मिराकल हम तो सोचता है जो कोई साधारण आदमी का निर्देश नहीं था, वो कोई भगवान का, कोई साई राम का कोई निर्देश था, ये हमारा लाइफ में एक मिराकल था। बिल्कुल भक्तों, बाबा किस रूप में किस प्रकार से आते हैं और हमारे को संदेश देकर चले जाते हैं, जो कि यहाँ पर तपनदा के केस में 10 साल से, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तपनदा एक एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, एंड उनके लिए फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और इस कारण से देखिए बाबा 10 साल पहले आकर
और तपन दा को ये एडवाइस दे के गए जो कि ये 10 साल से फॉलो कर रहे हैं और आज जाकर वो रिकलेक्ट करते हैं कि वो जो बुढ़ा बाबा आया इनके जीवन में वो शायद साई राम ही आए थे और उन्होंने आकर इनके जीवन को इस पुलिस की नौकरी बहुत ही कठिन होती है, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता खाने का पीने का, उस बीच में ये इतनी इम्पोर्टेंट एडवाइस बाबा आकर दे के गए और इनके शरीर आज भी इनके चेहरे की चमक जो है वो देखकर हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार बाबा की कृपा इनके ऊपर में बरस रही है। तो थैंक यू तपनदा, और कुछ मिरेकल स्टोरी हो आपके पास में तो बताइए। श्रेया जी कह रही थी कुछ दिन पहले आपके पास में और कोई मिरेकल हुआ था। मिरेकल हमारा लाइफ में नहीं हुआ है लेकिन काम करते करते मिरेकल हुआ है और जो अलग कुछ किसी को उपकार में लगा है, जो मिरेकल भगवान ही हमको कोई भेजा था उसी जगह में, नहीं भेजा था तो उसी टाइम में हमको ऐसा संदेश नहीं आता, हम नहीं जाता तो वो आदमी का जीवन नहीं हम रक्षा कर सकता। ऐसा बाईपास में एक हुआ था, हम जब इन कोर्स ऑफ माई पेट्रोलिंग जब हम गाड़ी में पेट्रोल कर रहा था, हम देखा है जो एक आदमी वो जो हेक्सो बोल्ट होता है ना, जो लोहा अगर सब काटता है उसको लिखंड करने के लिए जो काटता है, वो हेक्सो बोल्ट लेके वो सुसाइड कर रहा है, नाली काट रहा है अपना। हम तुरंत ड्राइवर को बोला है जो भाई तुम रुको रुको गाड़ी रुको। उसका हम जब नज़दीक पहुँचे तब देखते उसको काटा जो ये होता है ना गॉड छगल होता है ना, उसका जब खून निकलता है वैसा खून निकल रहा है। हम उसके पास जब गया है वो हेक्सो बेल्ट फेंक के जो करत होता है उसको फेंक दिया और पास में एक झील था, झील में वो कूद गया। तब अरे हमारा समय एक आदमी से मर जाएगा, हम उसको कुछ नहीं कर सकेगा। हम तुरंत हमारा दिमाग में आ गया जी उधर तो बस्तीवासी है लड़का लोग है, लोग को हम बुलाया, हमारा गाड़ी में माइक रहता है उसको बुलाया, दो चार लड़का चलाया वो शॉर्ट्स पहन पहन के एक बोले बहू तुम लोग तुम्हारा तो ये झील है तुम लोग को तो मालूम है, बोला रोज हम लोग इधर नहाता है तो तुम लोग के लोग को रेस्क्यू करना है। बोला कल कैसे कीजिएगा, बोला सुनो सामने से जाएगा तो वो डिब में चला जाएगा, तुम पीछे से जाओ, पीछे से जाके दो आदमी पहले कूदो उसका बाद हम जो बोलेगा ऐसा हुआ। वो दो तुरंत चला गया पीछे, पीछे से वो आ गया, उसको हम ये कर रहा है अटेंशन कर रहा है जे भाई तुम चले आओ, तुमको हम तुम्हारा जो असुविधा है तुम्हारा जो दिल में जो दुख है वो हम फुलफिल करेगा, तुम ऐसे उसको एंगेज करके रखा है हमारा तरफ उसको अटेंशन है। अब पीछे से वो दो आदमी आ गया और जब वो नज़दीक पहुंचा सामने से हम दोनों आदमी को अभी जाओ तुम लोग उसको पकड़ने को लिए, वो जब पकड़ने गया है वो पीछे लटके देखा जी पीछे दोनों आदमी खड़ा है उसको रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उसको रूबी हॉस्पिटल में भेजा है। रूबी हॉस्पिटल जाने के बाद उसको तुरंत ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट होने के बाद उसका घर में था बीबी और बच्चा, वो लोग आया थाना लोकल थाना का माध्यम से वो रिकवरी करके अभी भी वो ड्राइविंग कर रहा है, अभी भी वो सही सलामत जीवन यापन कर रहा है। ये हम सोचता है जो उसी टाइम में हमको गॉड साई राम का रूप में नहीं आता, नहीं निर्देश हमारा दृश्य में नहीं आता वो सीन, तो हम उसको रेस्क्यू करने नहीं सकता है। ये भी एक चमत्कार था हमारा सर्विस लाइफ में जो इसको हम झील से उद्धार करके लोकल आदमी को माध्यम से रूबी में एडमिशन किया है, उसको स्वस्थ किया है और अभी नॉर्मल जीवन जीवन कर रहा है। देखिए तापस दा के माध्यम से किस प्रकार बाबा की जो टाइमिंग होती है जब उन्हें किसी को बचाना होता है, जैसे कि कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और वो तपनदा के माध्यम से आकर उन्हें ठीक समय पर वहाँ पर पहुँचा दिया। और ये कितने वर्ष पहले की बात होगी? ये करीब 5 साल 5 साल पहले। और वो आज भी जो सुइसाइड करने अपना जीवन ख़त्म करने के लिए निराशाजनक स्थिति में और सुइसाइड करने गया था, उसे बाबा ने किस प्रकार उनकी टाइमिंग के हिसाब से तपनदा को भेजा और उनके दिमाग में थॉट्स आए कि किस प्रकार इसे बचाना है, और वो बचाकर उसे हॉस्पिटल में ले गए और वो आज भी जीवित है और ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो ये बाबा की कृपाएं हैं, वो अपनी टाइमिंग
को बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं, उन्हें किस समय क्या करना होता है, किसके लिए करना होता है, किस भक्त के लिए करना होता है, वो उन्हें पता है और वो ऐसे ही अपनी कृपाएं बरसाते जा रहे हैं। तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे तपन दा का, आज यहाँ पर समय निकाल कर हमारे बीच में आए। तो तपन दा, भक्तों को आप कुछ बाबा के बारे में कहना चाहेंगे? हम सब दर्शक को बोलने चाहता है जे मनुष्य रूप में जब हम लोग को जन्म दिया है, जन्म मिला है, तो ऐसा कुछ काम करके जाइए जो सही राम का निर्देश में बोला हुआ है। सही राम जैसा हम लोग को दिशा दिखाया है, उसी दिशा में आप लोग कुछ मनुष्य जाति के लिए, कोई पशु जाति के लिए कुछ काम करके जाइए, ऐसा काम करके जाइए जो आपको आपका जीवित काल में और जीवित काल के बाद में भी आपको चर्चा है एवं चर्चा होते रहेगा। वो आपको उसमें आपका जो इंस्पिरेशन जो मिलेगा बाकी आपका फैमिली मेम्बर को बा समाज को, वो आपको दिशा अनुधावन करके वो करते रहेगा। ये आपका कुछ काम करके जाइए जो समाज में वो काम आपको सारा जीवन जीवित रहेगा। हम लोग को तो जीवित रहना निर्दिष्ट टाइम रहना होता है, लेकिन आपका काम का मतलब है आप जीवित रहेगा सारा जीवन तक। ये हम सबको अनुरोध करते हैं जो आप लोग कुछ ऐसा काम कीजिए जो समाज के उपकार में लगता है, क्योंकि मनुष्य जाति का जन्म हर बार नहीं मिलता है, एक बार ही मिलता है। ऐसे ही हम लोग को जो हमको मिला है उसका काम सही काम में लगा के तब आप जाइए। सबको नमस्कार। ना जाति ना धर्म, सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म था बाबा का, और वो था मनुष्यता। मनुष्यता से ऊंचा बाबा ने और किसी को भी नहीं माना, और उनके जो संदेश हैं जो हमें अलग अलग रूप में आज प्राप्त होते हैं, वो संदेशों का पालन अगर हम करें तो समाज का और सबका भला होगा। यही तपन दा की हमारे हम सभी दर्शकों के लिए एडवाइस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तपन दा। अभी तक आपने हमारे ये चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, पास में बेल आइकॉन है उससे दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, ओम साई राम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाएँ, ताकि बाबा की कृपा सबके ऊपर में बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा के बारे में जान सके। जैसे तपन दा को कुछ 2 वर्ष ही हुए हैं और बाबा से जुड़े हुए, और ये अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, यही है हमारे साईं बाबा। तो चलिए आज के लिए हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, ओम साई राम। ओम साई राम।